सचिन पायलट से लेकर हार्दिक पटेल, कमलनाथ, प्रियंका गांधी वाड्रा, राम मंदिर शिलान्यास पर किसकी रही क्या राय, इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए गुजरात की कांग्रेस इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने दान का ऐलान किया। हार्दिक पटेल और उनका परिवार मंदिर के लिए 21,000 रुपए दान देगा। हालांकि उन्हें धर्म में असीम विश्वास है, लेकिन वो कट्टरपंथी नहीं हैं और उम्मीद करते हैं मंदिर देश में राम राज्य की शुरुआत करेगा, ऐसा कहना है हार्दिक पटेल का। हार्दिक पटेल कहते हैं, मैं आशा करता हूं मंदिर भारत और गुजरात में राम राज्य लाएगा। आपको बता दें, कांग्रेस राम मंदिर निर्माण में पार्टी के योगदान को रेखांकित करने में जुट गई है। भूमि पूजन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित हुए, जिसके बाद कांग्रेस नेता कई तरह के बयान दे रहे हैं। हार्दिक पटेल के बाद सचिन पायलट के बयान की बात कर लेते हैं। सचिन पायलट लगातार चर्चा में बने हुए हैं, इसके पीछे की वजह कांग्रेस के प्रति उनकी बगावत है। राम मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन में सचिन पायलट लिखते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन एवं शिलान्यास के सुअवसर पर समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, जय श्री राम। प्रियंका गांधी वाड्रा एक बयान जारी करती हैं, कहती हैं, राम मंदिर का निर्माण राष्ट्रीय एकता, भाईचारे और सांस्कृतिक सद्भाव का प्रतीक होगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हनुमान चालीसा का पाठ भोपाल में अपने घर पर करवाया और कहा, हम मध्य प्रदेश के लोगों की ओर से अयोध्या में 11 चांदी की ईंटें भेज रहे हैं। राम मंदिर का भूमि पूजन वो ऐतिहासिक दिन है जिसके लिए पूरा देश इंतजार कर रहा था। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।